मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने की वजह से हम एक दूसरे से लेन देन भी करते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चीज़ों का आपस में लेन देन करते वक्त भी हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनको सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का धन या रुपया। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका ये मतलब होता है कि वो व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है। किसी को दूध भी नहीं देना चाहिए। दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद यदि किसी को दूध दिया जाता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। दही भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है, लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। हल्दी भी नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है और केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी लहसुन और प्याज भी कभी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो या इस विषय में आपका कोई भी विचार या मत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।